गाइस मैं हूं शर्मिष्ठा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एशियन ब्यूटी शर्मिष्ठा। मैंने रिसेंटली परचेज किया था बायोटिक के कुछ प्रोडक्ट्स और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा था कि आप लोग इसका एक रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, उसको प्रेस करके मुझे फॉलो कर सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल का नाम शर्मिष्ठा बनीक है, वी कैन बी फ्रेंड्स देयर एज वेल। मार्केट में बायोटिक के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ए बिकॉज उनका प्राइस पॉइंट बहुत ही कम है, बी वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और सी वो बहुत अच्छे भी है और केमिकल फ्री है। तो रिसेंटली नायका में ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा था, इसीलिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे। फर्स्ट जो चीज मैंने खरीदा है जो मेरा फेवरेट है, बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेचर फ्लॉलेस लाइटनिंग आई क्रीम, क्योंकि मेरी अंडर आई एरिया बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड और ड्राई रहती है, स्पेशली अभी विंटर टाइम है तो उसको बहुत ज्यादा ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। देखिए जब भी आप इसे अप्लाई करोगे आप थोड़ा सा अपने रिंग फिंगर में, क्योंकि रिंग फिंगर में सबसे कम स्ट्रेंथ होता है तो वो हमारे अंडर आई एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा जेंटल है, तो इसीलिए रिंग फिंगर में लेके वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे पैटिंग मोशन में अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कीजिए और बस उसे एब्जॉर्ब होने के लिए 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद अपना मेकअप कीजिए। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें SPF 30 मौजूद है जो आपको UVA और UVB सन रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आप डे टाइम में बाहर जा रहे हो तो ये अंडर आई क्रीम आप जरूर अप्लाई कीजिए। ये ना ही सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा बल्कि आपके अंडर आई को हाइड्रेशन देगा और सनस्क्रीन का भी काम करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने खरीदा वो ये है बायोटिक का बायो कैरेट SPF 40 प्लस UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप में SPF 40 मौजूद है। दूसरा सनस्क्रीन जो है वो ये है बायोटिक का बायो बोटानियल बायो सैंडलवुड SPF 50 प्लस UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन। बायो सैंडलवुड का प्राइस 200 है और बायो कैरेट का प्राइस है 115 और मुझे डिस्काउंट में ये शायद 86 रुपीस में मिला और ये वाला मिला होगा शायद 149 रुपीस में। और मैं आपको अभी ये दोनों अप्लाई करके अपने फेस में दिखाऊंगी। हाफ साइड में बायो कैरेट अप्लाई करूंगी, हाफ साइड में बायो सैंडल अप्लाई करूंगी। इन दोनों का टेक्सचर क्रीमी है पर बहुत ज्यादा लाइट है एज ए सनस्क्रीन और एक का बायो सैंडल का कलर हल्का सा पीची कलर है और बायो कैरेट का कलर एकदम व्हाइट कलर है। बायो सैंडलवुड का स्मेल बहुत अच्छा है पर उससे भी ज्यादा अच्छा है बायो कैरेट का स्मेल। हमें SPF 30 से ज्यादा हमेशा यूज करना चाहिए और इन दोनों में SPF 30 से ज्यादा मौजूद है। ये क्लेम करता है इसमें थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज मौजूद है और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट वाटर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट है एस क्लेम्ड। और मैंने इनको पर्सनली यूज किया है और 2 हफ्तों तक मैंने यूज किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले तो इसे यूज कर ही सकते हैं और समर हो या विंटर सनस्क्रीन तो मस्ट होता है हमारे लिए और लड़के भी इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक और आई क्रीम है, ये वाला है बायोटिक का बायो आमंड सूदिंग एंड नरिशिंग आई क्रीम। पता है मुझे आई क्रीम्स बहुत पसंद है और क्योंकि ये आमंड आई क्रीम है तो ये बहुत अच्छा है हमारे स्किन को नरिश करने के लिए। और रेगुलर यूज के बाद मैंने नोटिस किया है अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा पहले से सॉफ्ट एंड सफल होती है। सेम इसको अप्लाई करना है आपको जैसे आप मॉर्निंग आई क्रीम अप्लाई करते हो और थोड़ा सा रिंग फिंगर में लेके वार्म अप कीजिए, उसके बाद पैटिंग मोशन में अप्लाई कर लीजिए। कहीं पे भी क्लीन नहीं करता है कि ये आपके डार्क सर्कल्स को हटाएगा। सच बोलो तो मैंने ऐसा कुछ विजिबल चेंज नोटिस भी नहीं किया है, मेरे डार्क सर्कल्स जैसा थे वैसे ही है, पर मेरी अंडर आई एरिया जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट सफल और ड्राइनेस जो होती थी जब मैं मेकअप अप्लाई करती थी वो वाला प्रॉब्लम अभी नहीं है। अगर आपको कहीं जा रहे हो मेकअप करके तो उसके लिए ये बायो आमंड आई क्रीम जरूर यूज कीजिए अगर आप कोई आई क्रीम यूज करना चाहते हो। और लास्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो ये है बायोटिक बोटैनिकल्स बायो डेंडेलियन एजलेस लाइटनिंग सीरम फॉर ऑल स्किन टाइप। ये 100% आयुर्वेदिक रेसिपी है और ये क्लेम करता है कि 100% आयुर्वेदिक है और ये इसमें कुछ भी कॉस्मेटिक नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड आई फील के ये सच्ची में आयुर्वेदिक है क्योंकि इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक स्मेल है। एक जड़ी बूटियों वाला जो ऑयल होता है ना उसका स्मेल जैसा होता है इसका स्मेल भी वैसा ही है। अगर आपको वो स्मेल पसंद नहीं है तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। ये एक सीरम है, बहुत ही लाइट वेटेड सीरम है जो कॉम्बिनेशन ऑयली और सेंसिटिव स्किन वाले बहुत आराम से यूज कर सकते हो। बूटियों में इसके ऊपर आपको एक मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना चाहिए वरना आपकी स्किन को मॉइस्चर नहीं मिलेगा। और ड्राई स्किन वाले अगर आप लोग ये सीरम यूज करते हो तो इसके ऊपर आपको हमेशा एक मॉइस्चराइजर यूज करना होगा क्योंकि ये
एकदम भी ऑयली सीरम नहीं है, ये एकदम नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली सीरम है जो झट से आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है। आपका एज 24 के ऊपर है तो आप तभी अभी से इस सीरम को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एज होने से पहले अगर हम प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो हम हमेशा ग्लोइंग लगेंगे विदाउट एनी सर्जरी एंड ऑल द स्टफ। तो यस, दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, और इसे आप थोड़ा सा अपने हाथों में लीजिए, फिंगर में लेने के बाद थोड़ा सा ब्लेंड कीजिए और वार्म अप कर लीजिए, उसका धीरे धीरे पैटिंग मोशन में अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और 30 सेकेंड से 1 मिनट इसे दीजिए एब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद आपका जो मॉइस्चराइजर है उसे अप्लाई करके सो जाइए बस। मेरे पास 3 सनस्क्रीन है, सारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए और मैंने इन प्रोडक्ट्स को 2 से 3 वीक्स ऑलरेडी यूज कर लिया है। आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आपने दूसरा कोई प्रोडक्ट बायोटिक का यूज किया है वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं दूसरे प्रोडक्ट भी यूज करना चाहती हूँ, तो जो भी आपको पसंद है वो मुझे जरूर सजेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक होंगे, आप उसको प्रेस कर दीजिए और वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड बन जाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस छोटे से यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। स्टे ब्लेस।